वेलकम प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 17। गणित क्लास 6 के लिए है, हिंदी मीडियम। बच्चे 24 तारीख की वर्कशीट है, 24 नवंबर की। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। भिन्न टॉपिक है हमारा, भिन्न, भिन्नों की तुलना करना। अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि भिन्न क्या होते हैं और हमने वर्कशीट में बताया भी है, तो आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ पौष्टिक पिज्जा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। ढोलू की थाली में 3 सही 1/2 पिज्जा और भोलू की थाली में 2 सही 3/4 पिज्जा है। तो अब आपको बताना है, देखिए ये ढोलू की थाली में है और ये भोलू की थाली में है पिज्जा का हिस्सा। किसके पास ज्यादा पिज्जा है आपको ये बताना है। तो स्पष्ट है कि अगर आप देखें ध्यान से तो ढोलू की थाली में 3 पिज्जा तो पूरे हैं, है कि नहीं? 3 पिज्जा तो पूरे हैं और भोलू की थाली में 2 पिज्जा पूरे हैं, है कि नहीं? यहाँ देखिए, तो ढोलू के पास 3 पूरे पिज्जा हैं और उससे ज्यादा हैं। भोलू के पास 3 पूरे पिज्जा से कम है, तो ढोलू की प्लेट में ज्यादा पिज्जा हुआ, इसका मतलब इसकी प्लेट में ज्यादा हुआ। साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास 3 पूरे पूरे पिज्जा हैं और 1 आधा पिज्जा है, और भोलू की थाली में 2 पूरे पूरे पिज्जा हैं और जो तीसरा पिज्जा है उसका 3/4 हिस्सा यानी 4 में से 3 हिस्से हैं। तो कम तो भोलू के पास हुआ ना, ढोलू के पास तो ज्यादा है। अब इसको हमें मैथ की लैंग्वेज में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए भिन्न की भाषा क्या है, भिन्न की भाषा है, हम भिन्न को कैसे लिखते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इनको आप ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन सा बड़ा है। हम ऐसा करते हैं, बराबर पट्टी लेते हैं, बिल्कुल बराबर पट्टी लेते हैं हम 4। 1/2 का मतलब है 1 पट्टी के 2 हिस्से और 1 हिस्से को हमने कलर कर दिया, तो ये हो गया 1/2। यानी साफ दिख रहा है कि एक बड़ी पट्टी का आधा हिस्सा हमने रंग कर दिया है। 1/3 का मतलब क्या है कि 1 पट्टी के 3 बराबर हिस्से की उतनी ही बड़ी पट्टी के और 1 हिस्सा रंग कर दिया, तो 2 हिस्से रंग नहीं हुए ना। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका तिहाई हिस्सा 1/3 यानी 1 में से 3 हिस्सा, जो 3 हिस्से हमने बराबर किए उसमें से 1 हिस्से को रंग किया है। तो कौन सा बड़ा हुआ? साफ दिख रहा है कि वो आधा वाला बड़ा हुआ, दिख भी रहा है कि बड़ा है, ज्यादा कलर किया हुआ एरिया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब उतनी ही बड़ी पट्टी है, हमने 4 पट्टी ली थी ना, अब 4 बराबर हिस्से करते हैं 1, 2, 3, 4 और 1 हिस्से को कलर कर देते हैं, तो इसे कहेंगे 1/4 यानी 4 में से 1 हिस्से को हमने कलर किया। और अगर हम 5 हिस्से कर दें उसी पट्टी के तो 5वें हिस्से को कलर करेंगे। तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कलर वाला एरिया 1/2 है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 1/2, उसके बाद होगी 1/3, 1/4 और फिर 1/5, ठीक है? तो भिन्न को हम बढ़ते या घटते क्रम में इस तरह से भी लिख सकते हैं, कलर करके, पट्टियों को काट के या ड्राइंग करके बिल्कुल बराबर बराबर, और उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। चलिए समान भिन्नों की तुलना देखते हैं। समान भिन्न किसे कहते हैं? समान भिन्न उसे कहते हैं जो समान हर होते हैं, है ना? जिसका हर समान होगा जिस भिन्न का, वो समान भिन्न है। जैसे 3/7, 5/7। अब इसमें आप देखो, हर ये ऊपर वाला अंश है 3 और हर है 7, तो और इसमें अंश है 5, हर है 7, हम देख रहे हैं दोनों हर समान है, इसका मतलब ये दोनों भिन्न समान भिन्न है। अगर भिन्न समान है, हर समान है, तो सिर्फ अंश को देखना है कौन सा बड़ा है। तो अब बताइए 5 बड़ा है कि 3? 5 बड़ा है, है ना 3 से, तो इसका मतलब 5/7 संख्या बड़ी होगी 3/7 से। इसको पट्टी के द्वारा भी चल सकते हैं कि हमने एक पट्टी ली, उसके 7 बराबर हिस्से किए, 2 पट्टियां ली 7 बराबर हिस्से किए, 1 पट्टी में 3 हिस्सों को रंग कर दिया, शेड कर दिया पेंसिल से, और दूसरी में 5 हिस्सों को हमने रंग कर दिया। तो इससे भी पता चल रहा है कि 5/7 जो है 3/7 से बड़ा है। चलिए अब असमान भिन्न की बात करते हैं। असमान भिन्न क्या होता है बेटा? असमान भिन्न वो होता है जिसका हर समान नहीं होता, ठीक है? अभी जैसे 2/3, 3/4, आप देखिए इसमें 3 और 4 समान नहीं है। तो अब हमें पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है 2/3 के 3/4। तो हम बिल्कुल बराबर हिस्से लेंगे, 2 पट्टियां फिर से बराबर लेंगे,
पहली पट्टी में तीन हिस्से, 2/3 का मतलब क्या है, जो हर है उतने ही हिस्से हमें करने हैं। तीन है ना हर, हम तीन बराबर हिस्से करेंगे और दो हिस्से को रंग कर देंगे, दो बराबर को, ठीक है। तीन हिस्से करके दो हिस्सों को रंग कर देंगे। 3/4 का मतलब क्या होता है कि हमने इसके चार हिस्से किए बराबर बराबर और तीन हिस्सों को रंग कर दिया, तो हमें दिखाई दिया रंग करने के बाद या पेंसिल से शेड करने के बाद कि 3/4 बड़ा है 2/3 से, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए भी भिन्न की तुलना हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुल्य भिन्न निकालना है तो पहले हम भिन्न देखेंगे क्या है। जैसे 2/3 और 3/4 है तो हम इसके भिन्न को समान भी कर सकते हैं पट्टी के द्वारा, दूसरे तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके तुल्य भिन्न निकाल लेंगे। सबसे पहले इन दोनों के हर को समान कर देते हैं। चलिए करते हैं समान। आप देखिए हर समान करने कब समान होगा, यहाँ पे इसका आसान तरीका है 3 और 4 का आप लघुत्तम ले लीजिए, हैं, या इस तरीके से आप यहां लिखे 2/3 और यहां लिखे 3/4। हम क्या करेंगे, इस हर को इससे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 × 8 = 12। अब इस हर को 3 को यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 12। अब हम देख रहे हैं कि 8/12 और 9/12 समान भिन्न वाले हो गए, है ना, समान हर वाले भिन्न हो गए 12 और 12। तो आप बड़े आराम से आप बता सकते हो कि 9/12 बड़ी है 8/12 से। 9/12 किसका मान था, 3/4 का, तो इसीलिए 3/4 बड़ी है 2/3। तो आप इस तरीके से कीजिए, चाहे पट्टी के तरीके से, दोनों तरीके से ये हो सकता है। तो चलिए करते हैं आगे। आकृति का प्रयोग करते हुए, आकृति समझ रहे हैं ना, ऊपर आकृति जो हमने पट्टियां बनाई थी उसका प्रयोग करते हुए आपको क्या बताना है कि भिन्नों की तुलना करनी है 3/5 और 1/5। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग आकृति तो बना लें। हम आकृति बनाते हैं, दो पट्टी ले लेते हैं, ठीक है, बराबर पट्टी ले लिया एक, बिल्कुल समान पट्टी लेनी है आपको, ये हमने ले ली। अगले क्वेश्चन के लिए भी ले लेते हैं। चलिए पहले इसी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये, 3/5 और 1/5, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भिन्न समान है कि नहीं, भिन्न समान है 3/5 और 1/5, 3/5 व 1/5, ये क्या है, समान भिन्न वाला क्वेश्चन है, समान भिन्न है ये। तो 3/5 यानी कि 5 बराबर हिस्से हम करते हैं, 1, 2, 3, 2, ये हमने बराबर बराबर ले लिया अनुमान से रफ काम, तो ये हो गया 5 हिस्से, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, वैसे बिल्कुल बराबर होने से है ये 5 ले लिए। अब यहां लिखा है 3/5 यानी कि 3 हिस्सों को हमें रंग करना है। चलिए 3 हिस्सों को हम रंग कर देते हैं। इसमें रंग नहीं हो रहा है तो चलिए हम 3 हिस्सों को इससे ही रंग कर देते हैं। ये वाला हिस्सा हमने 3 हिस्से को रंग कर दिया, आप शेड कर दीजिएगा, ये बन गया 3/5। अगला क्या है, 1/5, तो एक हिस्से को ही तो करेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि 1/5 छोटा है 3/5 के। भिन्नों की तुलना करनी है तो 3/5 जो है वो बड़ा है, बड़े की तरफ 2 मुंह आता है 1/5 का, क्लियर हो गया। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, 5/7 और 3/7। अब ऐसा ही चित्र हम बनाएंगे और 7 हिस्से कर देंगे हम, है कि नहीं, कैसे, जरूरी नहीं कि हमें रेक्टेंगल ले लें, वृत्त ले लो, कुछ भी ले लो, आपको 7 हिस्से करने हैं बराबर। तो ये आयत में क्या होता है ना कि हिस्से बराबर करना आसान होता है,
तो इसलिए इसको ले लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो क्या है 5/7 और 3/7, बी पार्ट है ये पहले का। क्या हमें लेना है 5/7 और 3/7, यही है क्वेश्चन। यस, तो 7 बराबर हिस्से लेने पड़ेंगे ना हमें, 1, 2, 3, 4, 6। चलिए अप्रोक्स मैं बराबर लेने की कोशिश कर रही हूं, वैसे बराबर रफ है, आप बराबर 1-1 सेंटीमीटर पे ले लीजिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए ना, बिल्कुल सीधे सीधे नीचे भी ले आते हैं। फुट्टे की मदद से ये लाना है आपको, ध्यान रखना है, फुट्टे की मदद से आपको बराबर रखना है। 5/7 का मतलब क्या है बेटा, कि 5 हिस्सों को आपको कलर कर देना है, 2 हिस्से को छोड़ देना है, शेड कर देना है पेंसिल से। अब 3/7 का मतलब यह है कि 3 हिस्सों को आपको शेड करना है। बताइए कौन सा बड़ा है, हमें दिख रहा है कि 5/7 वाला ज्यादा कलर किया हुआ है, 3/7 वाला कम है, तो 5/7 बड़ा है 3/7 का। वैसे भी अगर हर समान होते हैं तो अंश को देखा जाता है, यहाँ पे अंश 3 बड़ा है 1 से, तो 3/5 भी बड़ा होगा। यहाँ भी हर समान है तो 5 बड़ा है 3 से, है कि नहीं। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए, तुल्य भिन्न मतलब कि इस सवाल की तरह, ऊपर वाले सवाल की तरह हर बराबर करते हुए हमें बताना है भिन्न की तुलना करनी है। पहला क्वेश्चन है 5/6 और 1/4। 5/6 व 1/4, अच्छा 2/3 और 3/5 है ना, 2/3 व 3/5, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। 5/6, 1/4, 2/3, 3/5। चलिए करते हैं, इनके हर तो सेम नहीं है, पहले हर समान करते हैं। हम लिखते हैं 5/6, 1/4, जो ये इसका हर है दूसरे वाली रकम का, इससे गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, कोई जरूरत नहीं बाकी लघुत्तम लेने की, सीधे हर से हर गुणा कीजिए, 6 को इससे गुणा कर दीजिए। अब ये क्या देख रहे हैं, 20 आ गया, यहाँ 24 आ गया, 6 आ गया, 24 आ गया, हर समान हो गया ना। हम देख रहे हैं कि 20/24 बड़ा है 6/24 से, तो अगर 20/24 बड़ा है 6/24 से, तो इसका मतलब ये है कि 20/24 किसका मान था, 5/6 का था ना, तो वो बड़ा होगा 1/4। बस ये हो गई तुलना। ठीक है बच्चे, बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या है, इसमें भी ये लिखते हैं 2/3 और 3/5, तो ये हर है 5, 5 से आप इसको गुणा कर दीजिए पहले रकम को, और इस हर 3 से आप दूसरे रकम को भिन्न को गुणा कर दीजिए। तो ये आ गया 5 × 10, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15। बताइए कौन सा बड़ा है, 10/15 बड़ा है ना 9/15 से, तो इसका मतलब 10/15 था किसका, 2/3 का मान था, बड़ा हो गया 3/5 से, हो गया आंसर। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हुआ आपको, समझ में आया, तो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 2/3 व 4/5 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।